टीकमगढ़ शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर ग्राम मंजना में पारिवारिक कारणों के चलते दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक महिला की मौत और दो व्यक्तियों गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित व्यक्ति रामप्रसाद अहिरवार इंदिरा कॉलोनी मंजना निवासी ने आरोप लगाते हुए बताया कि मेरी बहू के मायके पक्ष आहार के कुछ लोग आए हैं और मेरे परिवार के सदस्यों के साथ धारदार हथियार से मारपीट करने लगे, जिस दौरान मेरी पत्नी प्रेमवती अहिरवार की मौके पर ही मौत हो गई और मेरे पुत्र अखिलेश और वीरू गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसकी शिकायत नजदीकी थाना चौकी में कराई गई। पुलिस को सूचना लगते ही घटनास्थल पर पहुंची और पंचनामा बनाकर घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्रेमवती अहिरवार को मृत घोषित कर दिया और दो घायल व्यक्तियों का इलाज जारी है। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। इंदिरा कॉलोनी मंजना। क्या विवाद हुआ जी? सर कोई विवाद नहीं हुआ, बहू को रहना नहीं था और उसको हम लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि नहीं जाना है तो प्रेम से जा, लेकिन अगर रह रहे थे अच्छे से, उसने अपने बाप को भैया को फोन लगा के बुला के हम लोग खाना खाए थे, अचानक बहू खुद मिल के वो तीनों लोगों ने चाकू से हमला कर बोल दिया था, तो पत्नी को घुटकी मस की सी बहू ने और बाप ने उनने चाकुओं से हमला किया सर। कहाँ कहाँ के थे ये लोग? ये लोग हार के हैं, एक देवी राम है वा, उसी का बच्चा पन्ना लाल है वा, उसी की बिटिया ममता है वा। कुछ पुरानी बहू से कोई विवाद हुआ था या कोई विवाद ही नहीं है सर? हाँ वो तो पर उसको भागना था, एक ही था। कितने लोग घायल हुए थे इसमें? साहब तीन ही लोग, पत्नी खत्म हो चुकी है, दो ही बच्चा जी घायल है, हमको भी सब टूट जा लग गई बीच में खाए में, हम तो जबकि बोले ही नहीं आए थे, हम तो खाना ही नहीं खा पा, उठा ही नहीं पाए। कहाँ थे उस वक्त? अपने घर पे थे? घर पे थे सर, और बाहर निकले फिर बाहर हमला बोला साहब उन लोगों ने। आपने पुलिस में शिकायत की थी उसकी? अभी सब चौकी में केवल लिखवाया है, उनकी ज्यादा हालत खराब होने के कारण हम अस्पताल आ गए। मंजना निवासी है, तीन मरीज आए हैं, एक प्रेमवती उम्र 40 साल है जो मृत अवस्था में अस्पताल आई थी, जिनको की धारदार हथियार से घाव के निशान है सीने पे आगे की तरफ दोनों तरफ हैं और वो मृत अवस्था में अस्पताल आई थी, उनको परीक्षण उपरांत पीएम को सब हेतु शिफ्ट कर दिया गया है, साथ ही पुलिस को भी सूचित कर दिया गया है। उनके साथ में एक 22 साल का लड़का अखिलेश भी था, जिसके की पीठ में गंभीर घाव है और लगभग मूर्छित अवस्था में है, और साथ में जो उनका दूसरा लड़का है उसका नाम है बीरू, जिसकी उम्र लगभग 20 साल है, उसको पीठ में दो घाव हैं जो लगभग उसकी स्थिति स्थिर है। चोटें सभी लोगों को लगभग सभी चोटें धारदार हथियार से हैं, अब ये कहना मुश्किल है कि कुल्हाड़ी था या चाकू था, चाकू की संभावना ज़्यादा है। ये मामला ये है कि मजना में आहार की लड़की शादी हुई ममता की, देवी अहिरवार उसकी लड़की है ममता, उसकी शादी मजना में हुई है रमेश अहिरवार के लड़के अखिलेश को, तो ये अपने लड़के के साथ में देवी अहिरवार पन्ना जिसका नाम है उसके साथ ये लेवाने के लिए आया था लड़की को, उसी बात से जो है भेजने ना भेजने पर से लेवाने पर से इनमें विवाद हो गया, तो दोनों पक्षों में मारा पीटी हुई है, उसमें धारदार हथियार का उपयोग भी हुआ है, जिसमें मृतका प्रेमवती पत्नी रमेश अहिरवार निवासी मजना जो ममता की सास है उसको चोट लगी है तो वो डेथ हो गई है उसकी, और उसके दो लड़के अखिलेश और बीरू ये दोनों घायल हैं, काफ़ी इनको चोट है तो अभी अस्पताल में घायल हैं। इस पक्ष से भी जो है देवी और पन्ना और इसकी लड़की ममता इसको भी चोट लगी है, ये लोग भी वार्ड में भर्ती हैं, इनके इलाज चल रहा है, और चूंकि इनका कहना है कि इनको लिवा जाने पर पहले इन लोगों ने मारपीट की है तो इनकी तरफ से भी जो है पन्ना की तरफ से भी इनके खिलाफ मारपीट का मुकदमा अखिलेश वगैरह के खिलाफ में वीरू वगैरह के खिलाफ में किया जा रहा है, अभी कार्रवाई चल रही है और दोनों पक्षों पर जो है विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी, और जो इलाजरत हैं उनको बढ़िया इलाज कराने के लिए जो है डॉक्टरों की सलाह से यदि वो कहते हैं तो उनको रेफर भी यहाँ से किया जा सकता है, ऐसी संभावना है।
हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।